नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इन दिनों हरभजन सिंह सुर्खियों में हैं। दरअसल उन्होंने संन्यास के बाद महेंद्र सिंह धोनी पर जो आरोप लगाए उसके बाद से लगातार चर्चाएं हरभजन सिंह की हो रही हैं। हरभजन सिंह ने संन्यास के बाद कहा कि 2011 के विश्व कप के बाद अचानक से मुझे टीम से बाहर कर दिया गया था। मैं लगातार धोनी से बातचीत करने का प्रयास करता रहा लेकिन उनकी तरफ से कोई भी मुझे जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद हरभजन सिंह ने कहा कि फिर मुझे समझ में आया कि कोई भी फायदा नहीं है बार बार सवाल करने से, इसीलिए मैंने सवाल करना बंद कर दिया और टीम से मुझे पता नहीं क्यों बाहर किया गया। इसके बाद से लगातार महेंद्र सिंह धोनी और हरभजन सिंह के बीच के लेकर विवाद सामने आए तो लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। वैसे आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2011 के विश्व कप में हरभजन सिंह ने दो बड़े मुकाबलों में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। फाइनल और सेमीफाइनल में दोनों में हरभजन सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लेकिन जिस तरीके से हरभजन सिंह ने रिटायरमेंट के बाद आरोप लगाया है उसके बाद से लगातार महेंद्र सिंह धोनी की भी चर्चा हो रही है और लोग अब महेंद्र सिंह धोनी को लेकर अपनी राय भी रख रहे हैं। साथ ही हरभजन सिंह के इस बयान की कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट में हैं। आपको बता दें कि हरभजन सिंह ने जब से ये आरोप लगाया है महेंद्र सिंह धोनी लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। अब ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी की एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई है जिसे हरभजन सिंह को दिए गए जवाब से लेकर जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ये तस्वीर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर की है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी एक पोनी को कुछ खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर बेहद ही शानदार है, जिसके बाद सब यही कह रहे हैं कि कितने कूल और काम तरीके से महेंद्र सिंह धोनी किसी को जवाब दे देते हैं। हालांकि वो टिप्पणियों के लिए लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं और जो भी जो कुछ बोल रहा है उससे इतर महेंद्र सिंह धोनी कूल अंदाज में अपनी मस्ती में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि ट्विटर यूजर शाहरुख ने लिखा है, संन्यास के बाद हरभजन, धोनी ने मुझे टीम से बाहर किया। संन्यास के बाद MS धोनी, जो अपने अस्तित्व और बयानों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। इसके साथ उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी पोनी को कुछ खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सुमित नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, अश्विन वाज बेटर देन हरभजन पोस्ट 11 वर्ल्ड कप, दैट्स व्हाई ही वाज ड्रॉप्ड। और उन्होंने कुछ स्टैट्स भी दिए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि अश्विन किस तरीके से बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, जडेजा का किस तरीके से उदय हुआ था और हरभजन सिंह वहां पर फेल साबित हुए थे, इसीलिए टीम से उन्हें बाहर किया गया था। सूरज नाम के यूजर लिखते हैं, सो हरभजन सिंह ब्लेम्स धोनी फॉर नॉट गेटिंग इनफ चांस एंड नॉट BCCI। मतलब उन्होंने सवाल किया है कि अब हरभजन सिंह धोनी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें चांस नहीं दिया गया, BCCI से वो सवाल नहीं कर सकते हैं। और एक ट्विटर यूजर TRB राजा लिखते हैं, जस्ट धोनी विथ हिज पोनी कुडंट रिजिस्ट सेइंग दैट। इन्होंने भी तस्वीर शेयर की है, साथ में उन्होंने कहा कि धोनी अपनी मस्ती में और वो परवाह नहीं करते हैं कि आगे पीछे क्या चल रहा है। इसके अलावा ये जब तस्वीर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की तो उन्होंने एक दिल बनाया कैप्शन में और उन्होंने थाला लिखा और इसके अलावा वो तस्वीर शेयर की, जिसके बाद इस तस्वीर को यूजर्स हरभजन सिंह को दिए गए जवाब से जोड़कर देखने लगे। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी इसी को लेकर लगातार ट्रेंड पर हैं और हरभजन सिंह को लोग कह रहे हैं कि धोनी ने बखूबी अपने कूल अंदाज में जवाब दे दिया है और हरभजन सिंह इस गलत फहमी में हैं कि उन्हें महेंद्र सिंह धोनी ने बाहर किया जबकि उन्हें सवाल BCCI से करना चाहिए। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या 2011 विश्व कप के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने हरभजन सिंह को नज़रअंदाज किया? अगर नज़रअंदाज किए भी गए तो सही था या गलत था, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।